दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें कि अगर आप एक बार पैसा इन्वेस्ट करें और उससे आप काफ़ी लंबे समय तक पैसा कमाएं, यानी एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दें उसके बाद आराम से आप रहें और उसके बाद आपको पैसा आता रहे, तो इस प्रकार का बिजनेस को हम ज़्यादातर रेंटल बिजनेस बोलते हैं। यानी एक बार आप कोई सामान खरीद के रख लें, उसको रेंट पर दे दें और उसे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमाएं। तो अगर आप इस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रेंटल बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है और उसे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं कुछ ऐसे ही बिजनेस आइडिया के बारे में। सबसे पहला है वो है हमारा टेंट हाउस का बिजनेस। आपको पता होगा तो जितने भी शादी पार्टी वगैरह फंक्शन वगैरह होते हैं वहाँ पे हम लोग डेकोरेशन के लिए, सजाने के लिए टेंट हाउस का इस्तेमाल करते हैं, टेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप चाहे तो टेंट हाउस का बिजनेस खोल सकते हैं। ये गाँव शहर हर जगह चलता है, ज़्यादातर लोग शादी पार्टी में इसका इस्तेमाल करते हैं सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो आप चाहे तो टेंट हाउस का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जितने भी सामान होती है टेंट हो, डेकोरेशन के सामान हो, वो चीज़ें आपको एक बार खरीदनी होती है, उसके बाद आपको सिंपली उसको रेंट पे देना होता है और उससे आप पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बार बार कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सिंपली एक बार अगर आप इन्वेस्टमेंट करके ये बिजनेस सेटअप कर लेते हैं उसके बाद आराम से आप इसे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप चाहे कोई बिजनेस करना तो टेंट हाउस का बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, इसमें भी आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। अगला बिजनेस आइडिया है वो है डीजे सर्विस का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, जितने भी शादी होती है पार्टी होती है तो हम लोग डीजे सर्विस को वहाँ पे बांधते हैं, डीजे सर्विस को वहाँ पे बुकिंग करते हैं। वो डीजे सर्विस आपको, वो भी एक प्रकार का रेंटल बिजनेस है। कुछ घंटों के लिए हम लोग उसको लाते हैं और उसके हम लोग चार्ज देते हैं। आपको पता होगा एक दो घंटे के लिए आता है, उतना का चार्ज वो 5,000-6,000 तक लेता है। तो अगर आप चाहे तो डीजे सर्विस का भी बिजनेस खोल सकते हैं। एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ नहीं करना है, आपको आराम से रहना है, पैसा आता रहेगा इस बिजनेस में। तो इस प्रकार का आप बिजनेस करना चाहे तो कर सकते हैं, डीजे सर्विस का बिजनेस कर सकते हैं, रेंटल बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो टेंट हाउस का बिजनेस कर सकते हैं। दो बिजनेस मैंने बताया, दोनों काफ़ी अच्छा है। एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े पैमाने पे इसको ओपन करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डीजे सर्विस भी खोल सकते हैं, अगर आप चाहे तो कम सामग्री से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का सर्विस खोलना चाहते हैं। तो इस प्रकार आप चाहे तो डीजे सर्विस का भी काम कर सकते हैं, डीजे सर्विस का जो बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं। अगला है वह कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी जो आप खाना बनाने वाला बर्तन होता है जो शादी पार्टी में जाता है, वो भी एक प्रकार का, वो भी भाड़े पर चलता है, वो भी रेंटल बिजनेस है। आपको दोस्तों गांव में शहर में देखे होंगे, जब भी आपके यहाँ बड़े पैमाने पे खाना बनाना होता है कोई बर्थडे पार्टी के लिए, शादी के लिए, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े कड़ाही, बड़े बड़े जो भी सामान होते हैं, सामग्री होती है कुकिंग खाना बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको रेंट पे लाना होता है। यहाँ तक कि आप सिलेंडर भी रेंट पे लाते हैं, बड़े बड़े चीज़ें सारे रेंट पे लाते हैं। तो इस प्रकार का बिजनेस भी आप चाहे तो कर सकते हैं। गांव में तो इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा चलता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस प्रकार का बिजनेस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनसे उनको प्रॉफिट भी होता है। शहर में भी आप चाहे तो ये बिजनेस कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रकार का अगर आप बिजनेस करते हैं तो एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसके बाद आप इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है, आप चाहे तो ये करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला रेंटल बिजनेस आइडिया है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ईवी रेंटल, इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंटल। आपको पता होगा तो जितने लोग कहीं काम करते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट वगैरह में काम करते हैं, राइड का काम करते हैं, तो क्या करते हैं, ज़्यादातर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है, जो स्कूटर आता है, उसको रेंट कर लेते हैं। रोज का 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, अलग अलग प्रकार का स्कूटर का रेट अलग अलग होता है, उसको रेंट कर लेते हैं और रोज उनको वो पैसे देने होते हैं। तो आप चाहे तो इस प्रकार का भी रेंटल बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप 20-25 एक बार में भी स्कूटर लाकर अगर आप रेंटल बिजनेस करते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप चाहे तो पर वीक ले सकते हैं, यानी एक हफ्ते का पैसा ले सकते हैं, पर डे का ले सकते हैं, पर मंथ का ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार का आप रेंटल खोलना चाहते हैं। ईवी रेंटल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और जैसे जैसे ऑनलाइन चीज़ें बढ़ रही है, जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी बढ़ रही है, तो लोग इसका इस्तेमाल करके जिनके पास बाइक नहीं है वो बाइक ना खरीद के वो रेंटल पे लेना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार का बिजनेस आप चाहे तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है। रोज का अगर आप एक स्कूटी 200 का भी देते हैं तो 10 रखते हैं तो 2000 आपका हो जाता है, मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। खर्च कुछ नहीं है क्योंकि आपको उसको चार्ज करना होता है तो उस पर खर्च नहीं आता है, बंदा कहीं भी चार्ज कर लेगा, आपको सिर्फ बाइक देना है, स्कूटी देना है और उसका पैसा आपको मिलेगा। तो आप चाहे तो ये भी बिजनेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगला है वह है क्लॉथ्स रेंटल। आपको पता होगा जितने भी बड़े बड़े पैमाने पे लोग कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे शादी पार्टी के लिए कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे उसमें से कपड़े रेंटल होते हैं,
या फिर एक प्रकार का ड्रेस जो होता है, जैसे कुक का ड्रेस हो गया, बैंड पार्टी का ड्रेस हो गया, इस प्रकार का भी ड्रेस पे रेंटल पे जाता है। तो आप चाहे तो इस प्रकार का ड्रेस का भी रेंटल बिजनेस कर सकते हैं। जो बड़े बड़े महंगे महंगे कपड़े आते हैं, लोग एक दिन दो दिन के लिए ले जाते हैं रेंट पे पहनने के लिए, या फिर जितने भी कुक का आता है कपड़े, कहीं कोई शादी पार्टी में जाने के लिए कपड़े आते हैं, तो इस प्रकार का बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स का रेंटल बिजनेस भी होता है, रेंट पे लोग कपड़े भी देते हैं। तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा और काफी यूनिक बिजनेस आइडिया है, काफी लोग करके इसे पैसा कमा रहे हैं। तो आप चाहे तो ये बिजनेस कर सकते हैं, काफी फायदेमंद बिजनेस आइडिया आपके लिए हो सकता है और इससे में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये बिजनेस भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं और इससे भी पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज के कुछ 5 ऐसे रेंटल बिजनेस, यानी इसमें एक बार पैसा लगा के आपको आराम करना है, सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देंगे, पैसा आपके पास आता रहेगा और आप इसे कमाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार का वीडियो आपको पसंद आया होगा, बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।